जय हिंद साथियों। साथियों, खबर बहुत बड़ी है। एक शब्द है शहीद। ये शब्द वाक्य में अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, शहीद। शहीद का दर्जा हर किसी को नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन सच बात यह है कि आज शहीद का दर्जा पाने के लिए भी सैनिक को तड़पना पड़ता है, भटकना पड़ता है अपना सम्मान पाने के लिए। अभी हाल ही में एक वाक्य सामने आया था जो है अमृतपाल जी का। अमृतपाल वो लड़का मात्र 19 वर्ष का सेना का जवान जो अग्निवीर स्कीम के अंदर भर्ती हुआ था सेना के अंदर, लेकिन जब 19 साल की उम्र में वो अग्निवीर लड़का अमृतपाल जिसकी मौत हो जाती है तो किस कदर उसका अपमान किया जाता है सेना के द्वारा, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी वो पोल खोलूंगा और पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो के अंदर किस तरीके से उस लड़के का अपमान किया गया है। उसको सेना का जो शहीद मतलब सैनिक का जो दर्जा होता है सम्मान का, वो नहीं दिया। उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया। प्राइवेट एम्बुलेंस में उसको उसके घर पर छोड़ा गया, उसके पार्थिव शरीर को प्राइवेट एम्बुलेंस में। सिविल ड्रेस के अंदर दो जवान जाते हैं, वो उसको छोड़ने जाते हैं। जो उसको सलामी देते हैं वो सेना के अफसर नहीं देते, वो उसको वहां के सिविलियन पुलिस वाले देते हैं। बड़े शर्म की बात है कि एक ऐसी स्कीम अग्निवीर स्कीम जिसके अंदर हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को मतलब शहीद का दर्जा नहीं है, शहीद का कोई दर्जा नहीं। मतलब वो लड़का गया तो है बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने के लिए, वो गया है बॉर्डर के ऊपर शहादत के लिए, वो गया है लड़का बॉर्डर के ऊपर अपने भारत देश की रक्षा के लिए, लेकिन वो खुद सुरक्षित नहीं है। सोचो दोस्तों, उसके मां बाप पे, उसके परिवार पे क्या बीती होगी जब वो 19 साल का पाला पोसा लड़का उनके परिवार के अंदर हाथ में आया होगा, फूलों सा बच्चा, उसका मृत शरीर जब उसके हाथों में, मां बाप के हाथों में होगा, उसकी मां की क्या हालत रही होगी, उसके परिवार की क्या हालत रही होगी, सोच करके भी रूह कांपती है दोस्तों। वहां पर 4 साल की स्कीम के बाद, वाह गजब है, जब 4 साल का अग्निवीर वहां पर पहुंचता है, अपने घर उसका पहुंचता है, उसका पार्थिव शरीर पहुंचता है, वहां का पार्षद, वहां का विधायक, वहां का सांसद, वहां का मंत्री कोई नहीं पहुंचता है, कोई भी नहीं पहुंचता है। और अगर कोई एक दिन का नेता की मौत हो जाती है तो वहां पर स्कॉर्पियो में, फॉर्चूनर में और तमाम बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े नेताजी पहुंचते हैं अपनी फोटोग्राफी करवाने के लिए, वीडियोग्राफी करवाने के लिए। अब ट्वीट किया गया है कर्नल रोहित चौधरी जी द्वारा, विपक्ष के हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या किया है वो भी मैं आपको पूरी बात बता देता हूं। पहला अग्निवीर शहीद, जैसा डर था वैसा ही हुआ। मोदी सरकार ने भारतीय सेना में नियमित व अग्निवीर सैनिक में भेदभाव व बंटवारे करने का काम किया है, बहुत बड़ा कटाक्ष किया है रोहित चौधरी जी ने ये। और शहीद अग्निवीर की अंतिम विदाई में सम्मान की कमी नजर आई है। अरे सम्मान की कमी, सम्मान नजर ही नहीं आया। मैं तो ये कहता हूं, अग्निवीर को ना पर्याप्त ट्रेनिंग दी गई, ना सुरक्षा हुई, ना पेंशन है, ना शहीद का दर्जा है, और ना ही सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि की गई। यह है मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद, झूठा देश प्रेमवाद और झूठी सेना भक्ति। अमृतपाल सिंह, उम्र 19 वर्ष, गांव कोटली कला, जिला मानसा, पंजाब की शहादत पर नमन व उसके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, रोहित चौधरी जी ने लिखा है। ये कांग्रेस पार्टी का पूर्व सैनिक विभाग बहादुर सैनिक अमृतपाल को शहीद का दर्जा देने की मांग करते हैं एवं अग्निवीर योजना पूर्ण रूप से खत्म करने की पुरजोर मांग करता है। यह रोहित चौधरी जी ने साफ तौर पर कहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी पंजाब के सीएम भगवत मान, उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है और उनको घोषणा जो की है उसके लिए भी धन्यवाद दूंगा, वो भी मैं बता देता हूं क्या उन्होंने ट्वीट किया है और क्या लिखा है उन्होंने, वो मैं आपको पूरी बात बता देता हूं उन्होंने क्या लिखा है। हालांकि पंजाबी में है, मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, वो मैं बता देता हूं। शहीद अमृतपाल सिंह की शहादत को लेकर सेना की नीति चाहे कोई भी हो, लेकिन पंजाब सरकार की नीति हर शहीद के लिए वही करेगी। शहीद अमृतपाल सिंह देश के शहीद हैं, कड़ी आपत्ति भी उठाई जाएगी केंद्र सरकार के साथ। ये आम आदमी पार्टी से हैं, पंजाब के सीएम हैं भगवत मान, उन्होंने बकायदा साफ तौर पर कहा कि कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी केंद्र सरकार के खिलाफ, आपत्ति उठाई जाएगी, और उन्होंने 1,01,00,000 रुपए देने की भी घोषणा की है। बहुत बड़ी खबर है, पूरी वीडियो आप देखिए,
कि भगवत मान जी ने क्या कहा है, और फिर क्या नाम है, आप अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे वाक्य को लेकर, अग्निवीर स्कीम को लेकर, अमृतपाल के साथ जो हादसा हुआ उसको लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और साथ ही साथ एक विनती भी करूंगा आप सबसे, हाथ जोड़ के, अमृतपाल की आत्मा की शांति के लिए कमेंट के अंदर जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलना साथियों। और वाकई यदि आप भी अग्निवीर स्कीम का विरोध करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों। जिमें एक्स ग्रेशिया जिहड़ा है वो पहला सिर्फ जंगी शहीदां नूं ही मिलता सी, जिहड़े किसी कलैश दे विच जंग दे विच शहीद हो जाण। जे वैसे फौज दे ड्यूटी दौरान कोई एवलॉन्ज आ गया, बर्फ जिहड़ी वो बर्फ दे तोंदे थल्ले नूं डिग पए, उह च जवान दब्बे गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, उहदे ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਕ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 25-50% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀ। 51% ਤੋਂ 75 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਸੀ, ਅਸੀਂ 20 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 76-100% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ HDFC ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ